आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को शहर पहुंचे। सुनारी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत प्रशासनिक अधिकारियों एवं भाजपाइयों ने किया। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया। सड़सठवें वन महोत्सव में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया एवं वन का मनुष्य के जीवन में महत्व बताया गया। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सड़सठवें वन महोत्सव का आयोजन मानगो स्थित अमर ज्योति स्कूल में किया गया। इस दौरान मंत्री सरयू राय भी मौजूद थे। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। कदमा स्थित रंकड़ी मंदिर में शिवलिंग समेत शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जुलाई को है, जिसकी तैयारियां चल रही है। कदमा स्थित रंकड़ी मंदिर एक नए रूप में तैयार हुआ है। 5 जुलाई को करीब 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित शिवलिंग समेत शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा, जिसे संपन्न कराने के लिए बनारस से विशेष तौर पर पुरोहितों को समूह को आमंत्रित किया गया है। विस्तृत जानकारी मंदिर पूजा कमेटी के अध्यक्ष दिलीप दास ने दी। क्या होगा उस दिन, क्या उद्घाटन पूरा बताइए। उद्घाटन में उद्घाटन को 10 बजे से लेके पंचांग पूजन और आपका दोपहर 1 बजे से लेके अपन 3 बजे तक का वेदी आवनन स्थापन पूजन और 5 बजे मूर्ति का कर्म कुठी पूजन और जलाधिवेश। कहाँ से पुरोहित आ रहे हैं सर? ये पुरोहित सब आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं और एक जो इनका जो नेतृत्व करेंगे वो है डॉक्टर श्रवण कुमार शास्त्री। मंदिर जो है हमारे भव्य रूप देने में सबसे पहले उड़ीसा के हमारे मंदिर की जो है कलाकार आके उसको बनाए और शिव परिवार को भी उड़ीसा से कीचिंग बोल के एक जगह है जहाँ से हम लोग पूरा परिवार को पत्थर का मूर्ति शिवलिंग नंदी सब कुछ लाए। और कौन सा मंदिर उद्घाटन होगा? और शनि महाराज का भी एक मंदिर बना है जिसका शनि महाराज का स्थापना भी नहीं हो रहा है, बाद में इसको किया जाएगा। निमडी थाना अंतर्गत शिरोम गांव की रहने वाली 45 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। निमडी थाना अंतर्गत शिरोम गांव की रहने वाली सविता नामक 45 वर्षीय महिला की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद उसे एमजीएम अस्पताल में पहुंचाया गया मगर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला किसी रोग से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। इसका चलता जो है सुबह इनको 5 बजे फोन किया, इधर से टेम्पू लेके गया, पहले से ट्रीटमेंट एमजीएम में चल रहा था। अच्छा। उसका पैरालिसिस हो गया था और पैरालिसिस होने के बाद में आज आत्मा जिसको खबर दिया लेके गया पीना के यहाँ एडमिशन किया, ट्रीटमेंट चल रहा था उसी के टाइम में डेथ कर गया। वहीं दूसरी ओर खास महल की रहने वाली संगीता नामक युवती अपने घर में झुलस गई, उसे भी एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने बताया कि बिजली कट जाने पर ऊंचाई पर रखे डिबरी उतारने के क्रम में जल रही डिबरी उस पर उलट गई जिससे वो झुलस गई। खास महल में कैसी घटना घटा बताइए। वो डिबरी उतार रहे थे, गिर गया छाती में, जल गया। क्या किसी काम से उतार रहे थे? हाँ, लाइट चल गया था ना, रेक हो रखे थे, नीचे उतार रहे तो गिर गया छाती में। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आदित्यपुर स्थित 111 सेफ लाइफ हॉस्पिटल में पिछले दिनों 6 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुए जिसमें सभी मरीजों में तेजी से स्वास्थ्य लाभ नजर आ रहे हैं। आदित्यपुर स्थित 111 सेफ लाइफ हॉस्पिटल ने सर्जरी के क्षेत्र में नए मुकाम को हासिल किया है। अस्पताल के संचालक ओपी आनंद व उनकी टीम ने पिछले 6 दिनों में 6 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक किया। सभी कैंसर पीड़ित हैं और वे सर्जरी के बाद अब तेजी से स्वास्थ्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। गम्हरिया के रहने वाले दुर्गा सोरेन को कमांडो सर्जरी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। डॉक्टर ओपी आनंद ने बताया कि सभी ऑपरेशन सफल रहे और उम्मीद करते हैं कि मरीज बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। एक सर्जरी तो कमांडो प्लस डिसआर्टिकुलेशन था, वो तो और भी बड़ा सर्जरी थी और उस पेशेंट का किडनी फेलियर का भी पेशेंट है। इसके अलावा एक रेयर पेनिस कैंसर
वेरुकस कार्सिनोमा, उसका भी ऑपरेशन हुआ और 3 अन्य ऑपरेशन हुए हुए। कुल 6 ऑपरेशन हम लोगों ने एक सिटिंग में करने में सफलता पाई, खुशी तो काफ़ी हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि सभी मरीज जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। और दिल कृतज्ञ है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने, जिनके प्रयास ने, जिनकी शुभेच्छाओं ने 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल को आज कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचा दिया। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अंतर स्कूल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कुल 11 स्कूलों के 95 बच्चे भाग ले रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और कैडेट बॉयज वर्ग में कुल 95 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जो 11 अलग अलग स्कूलों के हैं। बालक एवं बालिका वर्ग में एकल एवं युगल चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है। जितने भी ईस्ट सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 3 कैटेगरी में हम लोग मैच कराते हैं, सब जूनियर, जूनियर और कैडेट बॉयज। कैडेट बॉयज आपका जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 के बाद है वो खेलते हैं, सब जूनियर 2002 जनवरी के बाद जिनका, और जूनियर जो है वो 99 जनवरी के बाद के बच्चे खेलते हैं। ये 3 कैटेगरी हो गए, प्लस बॉयज़ टीम होता है और डबल्स का मैच होता है दोनों कैटेगरी, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स में। इसमें हमारे टोटल 11 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं।